क्या हाल है सर? ठीक है सर। सबसे मिलिए श्याम देहाती जी हैं। अच्छा, ये लोग आ गए हैं वो गांव में गए थे, कुछ लोगों के राय विचार लिए हैं और उन लोगों का मत भी बहुत बढ़िया था। अच्छा, क्या बोले वो लोग, मतलब किस विषय के ऊपर शूटिंग करना? हम लोग का मतलब विचार है कि मूर्ति पूजन जो होता है, मूर्ति पूजन में जिस तरह सरकार हमारे 5 साल के लिए होते हैं देश में, उस तरह हम भी चाह रहे हैं कि जो मंदिर हो उसमें जो पुजारी जो होते हैं उनको भी चुना जाए लोगों के द्वारा। उसी तरह के लिंक पर क्लिक करके अपने चैनल उड़वा दिए। कारण था, जुगाड़ से एक माइक तैयार हुआ है, ये तैयार किया, इसका टेस्ट थोड़ा सा करते हैं। स्पीकर लगा दिए कि बतुआ भी सकते हैं। अच्छा, मंदिर का लोकेशन देखते हैं कहां पर शूटिंग होगा वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त के पास जो कि एक यूट्यूबर है और वह समाज सुधारक भी है, अपने यूट्यूब पर सोशल इशू से संबंधित वीडियो अपलोड करता है। तो आज मैं उसके पास जा रहा हूँ, एक वीडियो अपलोड करने वाला है, उसने हमें इन्वाइट किया है, तो हम तैयारी हो रहे हैं और चलते हैं। अपना यही बाइक है, बाहर नाली खोदा रहा है गांव के पानी निकासी के लिए। बंद कर लिए, घूमे दोस्तों। नाली का काम हो रहा है, बहुत गड्ढा खोदा गया है पानी निकासी के लिए गांव का। लग रहा है अब धूप निकल जाएगा क्योंकि मौसम अब फ्रेश हो रहा है और ज़्यादा तेज चलने पर बहुत ठंडी हवा लग रही है, एकदम से शरीर में कंपन आ जा रहा है, ऐसा ठंडी कभी कभी महसूस होता है। ये जो घर देख रहे हैं इसमें अनुसूचित जाति डोम मुसहर जैसे लोग रहते हैं, ये आज भी समाज से कटे हुए। भले सरकार कहने को कहती है कि हम उनको फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये आज भी रोजगार और शिक्षा से वंचित है और आज भी उसी तरह जी रहे हैं जैसे पहले जिया करते थे। दोस्तों फाइनली धूप खिल गया है, देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। 5-6 दिन के बाद आज धूप दिखाई दिया है, मौसम बहुत सुहाना है लेकिन ठंडी अभी भी कम नहीं हुआ है, कनकनाहट अभी भी है। शिव मंदिर के पास में बोला था वीडियो शूटिंग करने के लिए, जरा अंदर चल कर देखते हैं वो लोग आए हैं या नहीं। यह घोड़ासहन का पुरनिया माता मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है, प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को यहाँ पर भव्य मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं और आज यहीं पर शूटिंग होने वाला है जैसा कि हमें बताया गया है। एक बार फोन करके पता कर लेते हैं कि वाकई शूटिंग यहीं पर होगी या कहीं अन्य जगह पर। मैंने अभी अभी फोन किया है, वो लोग आ ही रहे हैं, बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि मैं उनसे पहले यहाँ पर पहुँच गया हूँ, मैं पूरे अपनी समय पर पहुँच गया, मुझे 3 बजे पहुँचना था और घड़ी में अभी देखिए 3 बजने में अभी 3 मिनट कम है और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। इंतज़ार करते हैं उनका, देखते हुए कितने देर में आते हैं। आ गए वो लोग, क्या हाल है सर? सबसे मिलिए श्याम देहाती जी हैं। अच्छा, ये लोग आ गए हैं, अब अगला कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा। क्या सर, बहुत लेट कर दिए? सर थोड़ा शूटिंग के लिए उधर गए थे। अच्छा, कहाँ गए थे? गांव में गए थे, कुछ लोगों के राय विचार लिए हैं और उन लोगों का मत भी बहुत बढ़िया था।
अच्छा, क्या बोले वो लोग, मतलब किस विषय के ऊपर शूटिंग करना? हम लोग का मतलब विचार है कि मूर्ति पूजन जो होता है, मूर्ति पूजन में जिस तरह सरकार हमारे 5 साल के लिए होते हैं देश में, उस तरह हम भी चाह रहे हैं कि जो मंदिर हो उसमें जो पुजारी जो होते हैं उनको भी चुना जाए लोगों के द्वारा, और लोगों के द्वारा चुना जाए और साल भर 2 साल 3 साल माने एक लिमिट दिया जाए ताकि अन्य लोग को अगर इस तरह से मौका मिले। और तो पुजारी को चुनने की बात हो रही है चुनाव के माध्यम से, तो ये लाभ का पद है क्या पुजारी जहाँ पर? नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है जैसे चुनाव के समय नेताजी जो है बड़े बड़े पूजा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अब उतना बड़े लोग होकर के उतना आदर्श है ना, वो जिस तरह करेंगे उस तरह हमारे समाज के लोग लो करेंगे, क्योंकि उतना बड़ा आदमी होकर के इस तरह कर रहे हैं तो वो आदर्श होते हैं, तो उन्हीं को अब उन लोगों को तो समझा नहीं ना सकते हैं, लेकिन 5 साल के उतार उतार करके सच्चाई तो दिखा सकते हैं। आप यूट्यूबर है, कितना दिन से वीडियो बनाते हैं? वीडियो तो बहुत दिन से बनाते हैं, लगभग 11 से बना रहे हैं वीडियो। उस समय मेरा कीबोर्ड वाला फोन था सैमसंग का, इनका इनका यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा था, कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर था, लेकिन पता नहीं कैसे न कैसे हैक हो गया, और हैक होने के बाद से बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। फिर से इन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया, क्या नाम है सर आपके चैनल? मेरा चैनल का नाम है SKB हॉट ट्रिक्स। अच्छा, जिसपे टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, और दूसरा जो स्पीक फ्लुएंट है उस पे हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। जबकि ये कंप्यूटर के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, इसके बावजूद भी इनका चैनल हैक हो जाना मतलब समझ में नहीं आता है, कोई लिंक कहीं नहीं, कहीं फॉल्ट है नॉलेज में नहीं। देखिए बहुत सारा जैसे ये जो हैकर लोग जो है ना, वो बहुत सारा डुप्लीकेट ऐप बना देते हैं, कोई मैसेज भेज देते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, करने के बाद में थोड़ा देर के आप जानते हुए भी आप फंस गए। जैसे वो कहा नहीं जाता है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा लोभ से उसमें फंसना नहीं, उसी तरह के लिंक पर क्लिक करके अपना चैनल उड़वा दिए। कारण था उस पहला कारण था कि हमको एक कोचिंग में गए थे पढ़ाने, तो वहाँ पे 3 घंटे तक मोबाइल छूना नहीं है, 3 घंटे के अंदर हम मोबाइल देखे नहीं, अगर देखे रहते तो इस तरह होता ही नहीं। जुगाड़ से एक माइक तैयार हुआ है, ये तैयार किया है, इसका टेस्ट थोड़ा सा करते हैं, स्पीकर लगा दिए कि बतुआ भी सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, माइक कनेक्ट हो चुका है, यही माइक है, देखते हैं इसमें आवाज कैसा रिकॉर्ड करता है और कितना दूर से करता है। अभी इसी से आवाज रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिएगा जरा। नमस्कार, मैं मनीष माहिर पब्लिक ऑफ इंडिया चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अभी फिलहाल बात करने वाला हूँ मूर्ति पूजा और उससे रिलेटेड होने वाले पाखंड के ऊपर, मतलब जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए सर, लोकेशन देखते हैं, किस लोकेशन पर शूटिंग करना है, मंदिर का लोकेशन देखते हैं कहाँ पर शूटिंग होगा वीडियो। लोग मूर्ति पूजा के नाम पर पाखंड करते हैं, आज उसी के ऊपर यह वीडियो होने वाला है, और मंदिर है तो यहाँ के परंपराओं का पालन करना पड़ेगा, जूता यहीं पर निकालते हैं वरना फिर लोग बुरा मान जाएंगे। बहुत बढ़िया सुंदर वातावरण में कुरनिया देवी माता मंदिर, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रत्येक शुक्र और सोमवार को यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन होता है, जिसमें लोग तरह तरह की अपने मन्नतों को मांगने आते हैं, माता से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। आज हम लोग भी आ चुके हैं, तो एक नए वीडियो की शुरुआत होने जा रही है। कौन सा लोकेशन पर करेंगे? बाहर पर, वहां पर, वहीं पर ठीक रहे। यहाँ पे बैठ के भी हो सकता है, हाँ ये सही रहेगा। फाइनली हम लोगों का वीडियो शूट हो चुका है,
मूर्ति पूजा के ऊपर, और हमारे मनीष माहिर जी ने काफी डट कर बोला है, बहुत ही अच्छा बोले इन्होंने। आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, पब्लिक ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड होगा, वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बहस हुआ है। और हम लोग अब चलेंगे घर की तरफ क्योंकि शाम हो गई है, देख सकते हैं अब सूर्य अस्त होने को है, तो चलते हैं, चलिए।